सो हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आई एम शुभी मोहित ऑफिशियल में। तो आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज है मेरे बेटे का हैप्पी बर्थडे, तो उसका आज बहुत ही स्पेशल डे है। तो उसका बर्थडे मनाने ही मैं अभी अपने ससुराल में रुकी हुई हूँ और आपको आगे का सारा ब्लॉग दिखाऊँगी, खाना बनाऊँगी और जो भी काम करूँगी सारा ब्लॉग दिखाऊँगी। तो अभी मोक्षु से मिलो आप लोग। तो ये मेरा देवा देखो घोड़े बेच के सो रहा है, तो चलो चलते हैं काम करते हैं। वो मत छूना। नॉब है, नॉब से पानी चढ़ता था। देखो पट्टे मिट्टू कैसे खेल रहे हैं। पट्टे मिट्टू को बहुत अच्छा लग रहा है। देखो पट्टे मिट्टू, अच्छा लग रहा है तुम्हें? नीचे क्या हम इसलिए कह रहे हैं गिर ना जाओ, गिर जाओ। सुनो तो पापा आ जाने दे, देखो आ गए चले जाओ पापा। काय से जाए मेरा पापा मम्मा में भिंडी की ताजी हो रही है ना इतनी ज्यादा, और मम्मी पे ऐसे देखने नहीं मिलते। मेरे का पासपोर्ट टूटा था, दिखेगा इतना गिरा। तो दोस्तों यहाँ मैंने अपने सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी, पनीर की सब्जी, कचौड़ी और पूड़ी। आप लोगों को भी पूड़ी खिला रही हूँ, खा लो आप लोग भी। तो जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी मम्मी ने गुलगुला बनाई है। गुलगुला एक पुआ, एक टाइप का पुआ होता है, गोल गोल बनाया जाता है, उससे बच्चे का तिलक किया जाता है, उसको खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। ये इंडियन कल्चर है और उसके बाद हम वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से शाम को केक काटेंगे। तो चलो आपको दिखाती हूँ मम्मी किस तरीके से मोक्षु को दूध पिला रही हैं। मम्मी हाथ हटाओ ये लो, देखो ये देखो मम्मा तेरा फोटो खिंचवा लो उधर, मम्मा इधर देखो, इधर उधर। अच्छी रोशनी नहीं आ रही क्योंकि बल्ब निकल गया ना। एक चाकू जाते फिर भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे तुमसे। चलो चलो सो दोस्तों यहाँ हम सब तैयार हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड मंदिर में जा रहे हैं केक लेके, क्योंकि हम मंदिर में ही बर्थडे अपने सेलिब्रेट करेंगे मोक्षु का। ये हमारे घर का मंदिर है, मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है। और मैं बैकग्राउंड का आप लोगों को इसलिए आवाज़ नहीं सुना रही हूँ क्योंकि जनरेटर चल रहा है, उसकी काफ़ी ज़्यादा गंदी आवाज़ आती है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। और क्योंकि गर्मियों का महीना है तो केक पूरा मेल्ट हो जाएगा, इसलिए अब जल्दी चलते हैं और केक कटिंग की तैयारी करते हैं। तो जाती हूँ मैं मंदिर, आप लोगों को पूरा मंदिर भी दिखाती हूँ, अपने भगवान के दर्शन कराती हूँ। बार 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 चप्पल बार, ये किसका बर्थडे है भैया? किसका बर्थडे है? पंखा लगाओ तो बहुत आवाज कर रहा है, उड़ रहा है। जब सब लोग बैठेंगे तभी लगेंगे।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि तैयारियां केक कटिंग की पूरी हो चुकी हैं और चाचा और छोटी बुआ मिलके सब लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं आमोक्षु के साथ। बड़ी बुआ नहीं आ पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं गाइज एक सिंगल फ़ोटो भी मोक्षु के साथ क्लिक नहीं करा पाई हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा, वो सब कोई इतनी बिजी थी ना तो याद ही नहीं रहा। तो केक कटिंग स्टार्ट करते हैं, चलिए। दोस्तों आपने देखा हमारे राधा कृष्ण कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हमारा मंदिर है ये वाला। ये सिद्ध मंदिर है, हमारे घर का मंदिर है। और अब मैं ऊपर आके पूरी, क्योंकि गर्मी से तो पसीने से हाल बेहाल हो रहा था, तुरंत साड़ी हटाई मैंने और बस सबको खाना दिया और बस सोने की तैयारी करेंगे अब हम। और गाइज अगर आपको मेरे मोक्षु के बर्थडे का ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।